खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां जोगीपुर टोल प्लाजा पर टोल के पैसे की बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि हथियार चलने लगे। हमले में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 हमलावर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर से मंगलवार को अक्षय तृतीया पर कुंभराज तहसील में साहू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा था। इसमें शामिल होने के लिए 2 गाड़ियों से बारात जा रही थी। सुबह 7:15 बजे बारात जोगीपुर टोल प्लाजा पर फास्ट टैग बैलेंस न होने से टोल कर्मियों ने बारातियों की गाड़ी रोक ली। बारातियों ने टोल अदा नहीं करने की बात की। विवाद यहीं से शुरू हो गया। बारातियों के फ़ोन पर और लोग भी मौके पर पहुंच गए। यह विवाद बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। आरोप है कि बारातियों ने टोल कर्मचारियों पर लाठी और चाकू से हमला कर दिया। विवाद बढ़ता देख टोल प्लाजा के गार्ड ने हवाई फायरिंग की। उसके बाद बाराती भागने लगे, लेकिन टोल कर्मचारियों ने 2 बारातियों को पकड़कर बीनागंज चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले और पड़ताल शुरू कर दी है। हमले में 6 टोल कर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें ब्यावरा के पंजाबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। टोल प्रबंधन की ओर से बीनागंज चौकी पुलिस को शिकायती आवेदन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कार में फास्ट टैग बैलेंस नहीं होने पर कार सवार लोग कर्मचारी से विवाद करने लगे, तभी दूसरी लेन पर खड़ी उनके साथियों की गाड़ी से 10-15 लोग आए और मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को भी बुला लिया, जो 3 बाइक से पहुंचे और लाठी और लोहे की राड से मारपीट करने लगे। इस तरह 20-25 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। इस दौरान टोल कर्मचारी महेश यादव पर चाकू से भी हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मारपीट में भगवान यादव, संदीप यादव, नंदराम बंजारा, रवि यादव तथा सोनू को चोट पहुंची, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपने जो बताया है उस संबंध में प्रकरण संज्ञान में आ चुका है। इसमें सभी बिंदुओं पर विधिवत जाँच की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी यथोचित कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, की जाएगी। आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।